हाय गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो आर मिस, आप लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हो अपने आइडल को लेकर, और जैसा कि आजकल जोंगकुक हर जगह छाए हुए हैं क्योंकि उनका सोलो एल्बम 7 14 जुलाई को आने जा रहा है, और इसके लिए फैंस बहुत एक्साइटेड है और बहुत धूमधाम से इसकी प्रमोशन भी चल रही है। पर क्या आपको पता है कि किम ताहियून भी अपना सोलो एल्बम रिलीज़ करने वाले हैं और उनका भी सोलो कॉन्सर्ट हो सकता है। तो फैंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जोंगकुक का सोलो एल्बम ख़त्म होते ही शायद ताहियून भी अपना सोलो एल्बम प्रोड्यूस करते। और ये तक कहा जा रहा था कि किम ताहियून इस साल के आखिरी क्वार्टर यानी कि सितंबर के महीने के बाद अपना सोलो प्रोजेक्ट रिलीज़ कर सकते हैं, पर कल सोशल मीडिया पे जो हुआ उसके बाद BTS आर्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और किम ताहियून की इतनी महीनों की मेहनत तो जैसे पानी में ही चली गई है। और आर्मीज को गुस्सा होना भी चाहिए क्योंकि कल ही सोशल मीडिया पे किम ताहियून का नया सॉन्ग जिसका नाम मे बी है वो रिलीज़ होने से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गया है, और फैंस को पता चल चुका है कि ये मिक्स टेप कैसे होने वाला है। और फैंस भी ये सोच के बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि रिलीज़ से पहले ही इस सॉन्ग को लीक किसने किया, आखिर ये लीक कैसे हुआ, और इस गाने का म्यूजिक क्या है, और ये पूरा मुद्दा क्या है, ये जानने के लिए आप पहले ये सुनो। जी हाँ, ये स्टोरी किसी और ने नहीं बल्कि किम ताहियून के साथ पहले भी बहुत बार काम कर चुके प्रोड्यूसर ये स्वांग ने अपने स्टोरी में पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने भी के आने वाले सॉन्ग की झलक दी है और ये म्यूजिक शेयर किया है। ये स्वांग वही प्रोड्यूसर है जो भी के साथ क्रिसमस ट्री वाले गाने में भी काम कर चुके हैं, और लगता है आने वाले सोलो एल्बम में भी उन्होंने भी का साथ दिया है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग का काम चल रहा है और प्रोड्यूसर इसीलिए ही ये रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर करना चाहते थे ये कह के कि ये जल्दी ही आने वाला है। पर जब ये खबर फैंस के पास पहुंची तो फैंस को लगा कि भी का ये सॉन्ग रिलीज़ होने से पहले ही ऑनलाइन लीक हो चुका है और वो घबरा गए। पर मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोड्यूसर ने सिर्फ गाने का एक झलक ही फैंस के साथ शेयर किया है कि वो गाना कैसे होने वाला है, पर इस बात पर भी कई आर्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर ने भी की इतनी मेहनत बेकार कर दिया और फैंस का एक्साइटमेंट लेवल भी घटा दिया। तो आर्मीज, क्या आपको नहीं लगता कि अगर प्रोड्यूसर ने खुद गाने का एक झलक आर्मीज के साथ शेयर किया है तो उसके लिए उन्हें कंपनी और किम ताहियून दोनों से ही परमिशन मिली होगी, और अगर उन्हें उन दोनों से ही परमिशन मिली होगी तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग को इतना घबराना चाहिए। और वैसे भी आर्मीज, ये तो बस एक झलक था इस गाने की, पर पूरा गाना तो अभी बाकी है, तो मुझे ये लगता है कि हमें बस इंतज़ार करना चाहिए और एक्साइटेड रहना चाहिए कि कब हम किम ताहियून के आवाज़ में वो पूरा गाना सुन सके। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना एक्साइटमेंट है इस गाने को लेकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।